Milan Srishti and We Support Foundation presents Board Results Improvement Initiative by Chief Minister's Good Governance Associates Program and Star Teachers from Faridabad. Very important or easy question है. एक पेटी में 90 डिस्क जिन पर एक से 90 तक संख्याएं अंकित हैं. यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्राथमिकता ज्ञात कीजिए. डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कि दो अंकों की संख्या होगी. सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी. और थर्ड पार्ट में आपको पांच से विभाज्य एक संख्या निकालनी है. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम. तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्क के ऊपर एक से 90 तक लिखा हुआ है. तो आपने जो एक डिस्क निकाली है वो एक वाली भी हो सकती है, दो अंक वाली भी हो सकती है, सोन अप टू 90 किसी तक भी हो, यानी कुल संभव परिणाम 90, एक से लेके 90. अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं दो अंकों वाली संख्या. तो स्टूडेंट्स, एक से लेके 9 तक जो 9 संख्याएं हैं वो एक अंक की हैं, और 10 से लेके 90 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? 10 से 90 तक 81 ऐसी संख्याएं हैं जो दो अंकों वाली संख्या है. सो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है. तो दो अंकों वाली संख्याएं क्या आ जाएंगी आपके पास? अनुकूल परिणाम 81, कुल संभव परिणाम 90. तो 9/10, ठीक है. इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है? पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 25, 36, 49. उसके बाद जो 10 का वर्ग है 100, वो हमारे डेस्क पे अंकित नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 90 से नीचे वाले लेंगे. तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से लास्ट में 9 का वर्ग. तो ये कितनी संख्याएं बनी हमारे पास जो पूर्ण वर्ग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 90 के बीच में जो कि पूर्ण वर्ग. तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे. एक पूर्ण वर्ग संख्या लास्ट है 5 से विभाज्य एक संख्या. 5 से विभाज्य कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का पहाड़ा कहाँ तक है? ये भाग करके देखिए आप इसे, 18/90. तो ये टोटल 18 संख्याएं हैं. आप चाहें तो इन्हें काउंट भी कर सकते हैं. ये टोटल 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं. तो प्रायिकता 5 से विभाज्य किसी संख्या की क्या आएगी? इसी तरह से आपसे 3 से विभाज्य भी पूछा जा सकता है, 7 से विभाज्य भी पूछा जा सकता है, किसी से विभाज्य भी पूछ सकते हैं. एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित डिस्क निकाली जाती है. आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उस डिस्क पर जो अंक अंकित होगा वो अंक एक दो अंकों की संख्या होगी, या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या 5 से विभाज्य संख्या होगी. तो सबसे पहले 90 डिस्क में से निकाली जाती है. तो कुल संभव परिणाम आपके आ गए 90. दो अंकों वाली संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होंगी? 10 से 90 तक, 1 से 9 तक एक अंकों वाली संख्या. तो कुल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 90 में से 9 एक अंकों वाली घट गई, तो बाकी बच गई आपकी 81. और 5 से विभाज्य एक संख्या कितनी आ गई है? सॉरी, 5 से विभाज्य संख्या लिखी, टोटल 18 संख्याएं हैं. 5 से विभाज्य संख्या कितनी आ गई? 18/90, यानी 1/5. तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि बहुत इजी क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करें. थैंक यू.